C24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बहराइच में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हॉस्पिटल चौराहा स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय से महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने कमल शक्ति अभियान की शुरुआत की, जहाँ शहरी व ग्रामीण महिलाओं को एकत्रित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अभियान की अध्यक्षता करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हम महिलाओं के सम्मान व हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बीजेपी को जीत दिलाने के साथ विपक्ष के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जैसे समय समय पर अपने मोर्चों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम देती रहती है, ऐसे उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा के लिए अभी पार्टी की तरफ से कमल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें जगह जगह पर वो बहनें, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों, आशा बहुएं हों, इस तरह से जो समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है किसी भी तरीके से, ऐसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, उनको बुलाकर उनका सम्मान किया जाना, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहराइच जैसे पिछड़े जनपद में आज एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। और कार्यक्रम में अगर आप रहे होंगे पूरे समय पे और जिन लोगों ने भी देखा है, तो जिस तरीके से महिलाओं के अंदर उत्साहवर्धन हुआ है वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। और ये जो भी ये परिवर्तन आया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वो है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितने प्रयास किए वो सब सराहनीय।